नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में एज अ कार्डियक एनेस्थोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्ने से जुड़े हुए गलत धारणाओं के बारे में, मिसकंसेप्शन और मिथ्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि एक्ने क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, उसके क्या क्या कारण है और उसके क्या क्या प्रकार है। दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि एक्ने हमारे जो टीनेजर्स में है वो काफ़ी कॉमन है, इसलिए हम अक्सर हमारे टीनेजर्स को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से काफ़ी सारी एक्ने से रिलेटेड सलाह सुनने को मिलती है। और पूरा सोशल मीडिया और इंटरनेट एक्ने से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट्स और मिसकंसेप्शन से भरा हुआ है, इसलिए अक्सर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या सच है और क्या गलत है और किस एडवाइस को फॉलो करना है। दोस्तों, पहली जो गलत धारणा है कि एक्ने सिर्फ टीनेजर्स में होता है। हालांकि ये फैक्ट है कि 85% ऑफ द एक्ने टीनेजर्स में ही होते हैं, परंतु 30% मेल्स और फीमेल जो अडल्टहुड या अधिक उम्र के हैं उनमें भी आपको एक्ने मिलेंगे। दूसरा मिथ है कि स्किन को टैन करने से आप एक्ने हील हो जाते हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। यह मिथ आपकी जो स्किन है उसमें स्किन कैंसर और प्रीमैच्योर एजिंग के चांसेस को बढ़ा देगा। बल्कि दोस्तों, स्किन का टैन होने से अपन एक्ने के जो ब्रेकआउट्स हैं उनको कैमोफ्लेज तो कर सकते हैं, परंतु जो स्किन की टैनिंग एक्ने के हीलिंग में कोई मदद नहीं कर सकती। बल्कि जो डायरेक्ट एक्सपोजर अगर हम स्किन का यूवी रेज से करेंगे तो आपने जो एक्ने का ब्रेकआउट है वो और वर्स हो सकता है। दोस्तों, तीसरा मिथ है कि अगर एक्ने का जो पिंपल है उसे आप फोड़ देते हैं तो वह जल्दी हील होता है। यह भी बहुत गलत धारणा है, गलत फैक्ट है। दोस्तों, अगर आप जो एक्ने का पिंपल है उसे फोड़ देते हैं तो जो बैक्टीरियल पस और बैक्टीरिया पिंपल्स के पस में है वो फटकर स्किन पर आ जाते हैं और वो एक्ने का ब्रेकआउट कॉज करते हैं, और इस कारण से जो स्किन का नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है उसको भी हम इंटरफेयर करते हैं। दोस्तों, इसी कारण अगर आप पिंपल के हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाना चाहते हैं कि विदाउट उसको फोड़े हुए या पॉपअप किए हुए, तो हम इसके लिए पिंपल्स पर बेंजोइल परोक्सीडेज या सैलिसिलिक एसिड लगा सकते हैं, या फिर आप पिंपल पर हाइड्रोकोलोइड बैंडेज लगा सकते हैं। इस इलाज से आप पिंपल की हीलिंग भी बढ़ जाती है और आपको उसको पॉपअप या फोड़ने की जो टेंडेंसी है या जो इरिटेशन है वो कम हो जाता है। दोस्तों, अगली धारणा है कि एक्ने प्रोन जो स्किन है उसे मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो उसमें इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी और एक्ने के ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए आपकी स्किन चाहे ऑयली हो तो भी मॉइस्चराइजेशन करना ज़रूरी है। परंतु दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करें उसमें एडिड फ्रेग्रेंस या कोकोआ बटर, पैराबेन या मिनरल ऑयल ना हो। आपको मॉइस्चराइज़र खरीदते समय हमेशा ध्यान रखना होता है कि उस पर ऑयल फ्री या नॉन कोमेडोजेनिक लिखा हो, ताकि आप श्योर हो सकें कि ऐसा कोई भी इंग्रीडियंट्स आपकी स्किन को इरिटेट ना करें। दोस्तों, जो अगली गलत धारणा वो ये है कि अगर आप अपना फेस वॉश नहीं करते हैं या फेस पर डर्ट रह जाती है तो आपको एक्ने हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपना फेस वॉश करने भूल गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको एक्ने हो ही जाएंगे। इसके विपरीत, अगर आप अपने इस फेस को बार बार धोते हैं और विग्रसली धोते हैं तो फेस की स्किन इरिटेट होती है और एक्ने होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी बजाय आप एक रूटीन में फेस को दिन में दो बार एक जेंटल क्लींजर से साफ करें तो एक्ने से बचा जा सकता है। दोस्तों, अगला जो मिसकंसेप्शन है वह यह है कि टूथपेस्ट लगाने से एक्ने ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, यह भी बहुत गलत सोच है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। टूथपेस्ट लगाने से बल्कि आपके जो पिंपल्स और एक्ने और ड्राई हो जाते हैं, और टूथपेस्ट के जो हार्श इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके स्किन के जो छोटे छोटे पोर्स और छेद हैं उन्हें बंद कर देते हैं, बल्कि इसकी वजह से एक्ने के ब्रेकआउट्स होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और कभी कभी टूथपेस्ट लगाने की वजह से लोगों में उनके फेसेस पर रेड इची सेंसेशंस होने लगते हैं, जिन्हें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अगली गलत धारणा है
कि एक्ने ओवरनाइट डेवलप हो सकते हैं। दोस्तों हालांकि ये सच है कि एक्ने का जो ब्रेकआउट है वो ओवरनाइट हो सकता है, पर एक्ने की जो स्किन के अंदर ग्रोथ है उसमें समय लगता है, कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक। दोस्तों अगली धारणा ये है कि एक्ने जेनेटिक नहीं होते। दोस्तों मल्टीपल स्टडीज में देखा गया है अगर पेरेंट्स में किसी एक को भी एक्ने है तो बच्चों में एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यह इसलिए है कि इसलिए देखा गया है कि ऐसे जिन पेरेंट्स में एक्ने हुआ है उनके बच्चों में जो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और ऐसे पेरेंट्स के बच्चे हार्मोनल चेंजेस के लिए भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दोस्तों अगला जो फैक्ट है वो है कि एक्ने खुद ठीक हो जाते हैं। दोस्तों यह भी गलत है कि एक्ने क्रॉनिक कंडीशंस है, कुछ लोगों में काफ़ी समय इवन सालों तक परसिस्ट करती है, परंतु अगर यह कुछ सालों तक परसिस्ट करे और ठीक ना हो तो आपको तुरंत ही डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों अगली जो गलत धारणा वो ये है जो एक्ने है वो सिर्फ ऑयली स्किन्स पर होते हैं। दोस्तों एक्ने होना या ना होना स्किन के टाइप पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। हालांकि एक्ने होने के चांसेस ऑयली स्किन पर ज़्यादा होते हैं, परंतु यह ड्राई स्किन पर भी हो सकते हैं। दोस्तों अगला जो मिथ है कि एक्ने जो है वो आपके जो जंक फूड है उसकी वजह से, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर उसकी वजह से हो सकते हैं, परंतु रिसर्चेज में ये देखा गया है कि हालांकि ये जो जंक फूड है ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए खराब है, परंतु एक्ने होने ना होने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों अगला है कि एक्ने एक संक्रामक रोग है या कॉन्टेजियस है। दोस्तों यह भी बिल्कुल गलत फैक्ट है। एक्ने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति को एक्ने है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर उसके साथ हाथ मिला सकते हैं, उसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, किस कर सकते हैं, इवन उसके साथ आप अपना रूम शेयर कर सकते हैं, अपने टॉवल शेयर कर सकते हैं, अपने यूटेंसिल्स शेयर कर सकते हैं, अपने सोप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो मिथ है कि एक्ने स्ट्रेस की वजह से होता है। दोस्तों इस जो धारणा है इसका रीज़न ये है कि जो एक्ने यूजुअली टीनेजर्स में देखा जाता है, और टीनेजर्स अक्सर अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से और अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, परंतु स्ट्रेस से एक्ने का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अगला जो फैक्ट है वो है कि जो एक्ने है मैस्टर्बेशन की वजह से होता है। इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, मैस्टर्बेशन से एक्ने का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैस्टर्बेशन से जो बॉडी है उसका फिजिकल और मेंटल टेंशन रिलीव होता है। दोस्तों अगला जो मिथ है कि नींद की कमी से एक्ने होता है। दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आपकी नींद की कमी है तो बॉडी में एक हार्मोन है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल, उसका जो प्रोडक्शन है, जो स्राव है, वो तेजी से होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, और वह एक्ने के ब्रेकआउट्स को फ्लेयर अप कर सकता है। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको लाभप्रद होगी। आपसे निवेदन है हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।